नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, CRO एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। और दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मैंने उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया है। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने के बाद मैं ये आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, और इससे किस टाइप से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये सब भी और इसके जो एक ट्रिक्स हैं जिसको आप समझ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन CRO से ज़रूर कर पाएंगे, ये ट्रिक्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आने वाला है। और दोस्तों, इससे हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे जो भी कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, IES के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जिससे आप लोगों को ये हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और आप क्वेश्चन कर सकेंगे कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं CRO के इंट्रोडक्शन से। तो दोस्तों, जैसा कि CRO के बारे में आप सबको कुछ ना कुछ पता होगा, लेकिन अगर हमें उसे एक सिस्टमेटिक वे में एक कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो थोड़ा सा कुछ इस फॉर्म में देखना होगा। अगर हम दोस्तों CRO के इंट्रोडक्शन की बात करें, एंड ऑसिलोस्कोप इज़ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेव फॉर्म, मीन्स CRO का हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि किसी भी टाइप के वेव फॉर्म को हम इससे स्टडी उसका कर सकें कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये सब चीज़, उसका शेप क्या हो सकता है, ये सब जानने के लिए हम लोग CRO का यूज करते हैं। इट कैन बी एम्प्लॉयड टू मेजर सच क्वांटिटीज एज अ पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज मेजर करने के लिए इसका यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यूज होता है, एंड फेज डिफरेंट मेजर करने के लिए CRO का यूज होता है, पल्स विड्थ, डिले टाइम, राइज टाइम एंड फॉल टाइम, ये सब मेजर करने के लिए CRO का यूज होता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी मेजर विथ CRO, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर विथ CRO। तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि इसमें से क्या चीज़ CRO से मेजर किया नहीं जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए कि क्या चीज़ें CRO से मेजर किया जा सकता है। तो जो दोस्तों जो CRO से मेजर किया जा सकता है वो क्या मेजर किया जा सकता है, पीक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, पल्स विथ, डिले टाइम, राइज टाइम एंड फॉल टाइम, ये सारी चीज़ें CRO से मेजर किया जा सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है, पीक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पीक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस, ये मेजर आप कर सकते हैं CRO से। एंड ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ कैथोड रे ट्यूब, एक ऑसिलोस्कोप की बात करें तो वो कैथोड रे ट्यूब CRT कंटेन करता है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है, आप इसे जानते भी होंगे। तो अगर CRT एंड एसोसिएटेड कंट्रोल एंड इनपुट सर्किटरी, CRO का कुछ इनपुट सर्किटरीज भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे उसके प्रॉपर्टीज से। इन द CRT इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड एट अ हीटेड कैथोड आर सेव इनटू द फाइन बीम एंड एसिलरेटेड टू आर फ्लोरोसेंस स्क्रीन। क्या है एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे पूछता है, जो CRO की स्क्रीन होती है वो किस मटेरियल से पेंटेड होती है, किस मटेरियल से पेंटेड होती है, तो वो दोस्तों फ्लोरोसेंस स्क्रीन से पेंटेड होती है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट कहाँ से, हीटेड कैथोड से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जनरेट किया जाता है। द स्क्रीन ग्लो एट अ पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक, जहाँ उस स्क्रीन पे जहाँ भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है वहाँ पे क्या करता है, हमारा स्क्रीन ग्लो करता है और उसी के फॉर्म में हमें वेव फॉर्म बनता है। जैसे कि अगर आप कंसीडर करें, यहाँ ये हमारा CRO का डिस्प्ले है, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है हीटेड कैथोड से, वो इस फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे क्या कर रही है, अटैक कर रही है या फिर स्ट्राइक कर रही है। जैसे उसने स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, कुछ इस फॉर्म में ऐसे ऐसे स्ट्राइक करते करते ऐसे, आप देख आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्राइक कर रहा होगा अगर, तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का, और ये अगर डेंस रहेगा तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे शेप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, कुछ ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये स्क्रीन है CRO का, जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है, इसको आप याद रखिएगा, ये मटेरियल से उसको कोटिंग की जाती है ताकि जो इलेक्ट्रॉन उस पर आके स्ट्राइक करे वो एक अच्छे फॉर्म में आपको दिख सके। तो हीटेड कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन एक शेप में आकर के इस पर
कुछ इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में स्ट्राइक करता है, यहाँ पे ये कुछ इस फॉर्म में स्ट्राइक करता है, तो आपको इस फॉर्म का कुछ वेव फॉर्म बनेगा, ये आपको देख रहा होगा ट्रेंगुलर वेव बन रहा है। तो ऐसे ही मैं आपको समझाने की जस्ट कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ इस फॉर्म में सीआरओ के स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले पे कुछ इस टाइप के वेव फॉर्म मिलते हैं, जिसके बाद आप इसका पीक टू पीक वोल्टेज और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब आप, फेज डिफरेंस क्या है, ये सब मेजर कर सकते हैं। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें, द इलेक्ट्रॉन बीम इज ईजिली डिफ्लेक्टेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको ऊपर या नीचे कैसे किया जाता है, बाई वोल्टेज अप्लाइड टू डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं उस पर हम वोल्टेज अप्लाइड करके इनका मोशन ऊपर या नीचे हम, या लेफ्ट राइट इसका हम मोशन कर सकते हैं। किस पे? डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे वोल्टेज अप्लाइड करके। यूजली द बीम इज स्वेप्ट हॉरिजेंटली अक्रॉस द स्क्रीन बाई अ रैम्प वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, रैम्प। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो रैम्प वोल्टेज जनरेटर होता है वो कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है? बाय द टाइम बेस्ड सर्किट। इस रैम्प बेस्ड जनरेटर को टाइम बेस्ड सर्किट भी कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेट पे कनेक्ट किया जाता है टाइम बेस्ड सिग्नल को कंटिन्यूअसली क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेट पे कनेक्ट। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये सब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इंट्रोडक्शन लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको पता है तो नो डाउट आप लेक्चर छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। टाइम बेस्ड सर्किट एंड द वेवफॉर्म टू बी इन्वेस्टिगेटेड इज अप्लाइड टू डिफ्लेक्ट द बीम वर्टिकली। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वर्टिकल प्लेट, दो प्लेट्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, एक वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है। तो दोस्तों जिस सिग्नल का हमें स्टडी करना है उसको हम वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि जिस भी वेव फॉर्म का आपको स्टडी करना होगा उसको आप किस पे लगाएंगे, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे लगाएंगे। ठीक है, किस प्लेट पे, याद कर लीजिए, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे। और जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है दोस्तों, उस पे टाइम बेस्ड सिग्नल आपको लगाना, उस पे टाइम बेस्ड सिग्नल लगाते हैं, जो वेवफॉर्म, टाइम बेस्ड वेवफॉर्म क्या करता है, जनरेट करता है, जिसे रैम्प वोल्टेज जनरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम्प वोल्टेज जनरेटर। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद करने की अभी तक ज़रूरत है कि जिस भी वेवफॉर्म का हमें स्टडी करना होता है उसको हम वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे लगाते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट मीन दोस्तों वाई वाई। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट की बात करें तो एक्स एक्स, जिस पे हम क्या करते हैं, टाइम बेस सिग्नल जनरेट करते हैं और उस पे कनेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रख लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले कितने इंपॉर्टेंट हैं। दिस रिजल्ट इन अ वोल्टेज वर्सेस टाइम डिस्प्ले, जिसमें क्या होगा कि आप हॉरिजॉन्टल पे क्या कर रहे हैं, टाइम बेस्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या दे रहे हैं, आप जिस सिग्नल को आपको स्टडी करना है उस, वो आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, वोल्टेज वर्सेस टाइम डिस्प्ले ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म ये जनरेट होता है। मोस्ट ऑसिलोस्कोप आर डुअल ट्रेस। जो भी ऑसिलोस्कोप होते हैं जनरली क्या होते हैं, डुअल ट्रेस इसके बारे में हम लोग देखेंगे, मल्टी ट्रेस इसके बारे में भी देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग टू और मोर वेवफॉर्म साइमल्टेनियसली। डुअल ट्रेस सीआरओ क्या होता है दोस्तों, डुअल ट्रेस सीआरओ ये होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा, डुअल ट्रेस या मल्टी ट्रेस सीआरओ वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा वेवफॉर्म को हम साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन से ही आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिले कि सीआरओ की हेल्प से हम क्या मेजर कर सकते हैं, पीक वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, फेज डिफरेंस कर सकते हैं, पल्स विथ डिले टाइम, राइज टाइम एंड फॉल टाइम, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। और हमने देखा कि उसके वेवफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं जिसपे हम लोग क्या वोल्टेज को अप्लाई करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे क्या करता है, हीटेड कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है वो जाके उस पर स्ट्राइक करता है और वेवफॉर्म जनरेट करता है। और जो जिस सिग्नल की हमें स्टडी करनी होती है उसे हम वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे लगाते हैं, जिसे वाई वाई बोलते हैं। और एक हम टाइम बेस्ड जनरेटर, टाइम बेस्ड सिग्नल जनरेट करता है या फिर रैम जनरेटर आप कह सकेंगे, उसको हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे लगाते हैं। इतना चीज़ें अभी तक आप लोगों ने देखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें, जैसा कि आपने पहले ही देखा था कि सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंटेन
सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। तो थोड़ा सा दोस्तों हम यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब के बारे में देखना चाहेंगे, जिससे आगे का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकेगा। द बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड बायसिंग ऑफ कैथोड रे ट्यूब इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। द सिस्टम इलेक्ट्रोड्स इज कंटेन इन अ इवैक्यूएटेड ग्लास। इलेक्ट्रोड को कितने में रखा जाता है? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद अ व्यूइंग स्क्रीन ऑन द एंड। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड बाय द कैथोड। कैथोड से, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, हीटेड कैथोड से क्या, इलेक्ट्रॉन की बीम जनरेट होती है एंड डायरेक्टेड टू द स्क्रीन कॉजिंग द फॉस्फर कोटिंग ऑन द स्क्रीन। ये आप देख रहे हैं फॉस्फर कोटिंग, जो स्क्रीन है वो फ्लोरोसेंस की स्क्रीन है, उस पर किसकी कोटिंग की गई है दोस्तों? फॉस्फर की कोटिंग की गई है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऑन द स्क्रीन टू ग्लो वेयर द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक। द इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्टेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बाय एक्सटर्नली अप्लाइड वोल्टेज। जो ये वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे। अब आपको यहाँ पे CRT का यहाँ पे दिख रहा होगा ये फिगर। CRT में आप ये देख रहे होंगे, ये सेक्शन इलेक्ट्रॉन गन के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या है, ट्रायोड सेक्शन है और फोकसिंग सेक्शन है। और इसमें आप देखेंगे ये हीटेड फिलामेंट है, उसको यहाँ पे कैथोड बोला गया है, फिर ये ग्रिड है, फिर ये एनोड A1, एनोड A2 एंड एनोड A3, ये तीन एनोड्स हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ये है दोस्तों जिसकी वजह जिस पे क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे टाइम बेस्ड सिग्नल्स को अप्लाइड करते हैं। और ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिस पे कोई जिस सिग्नल की हमें स्टडी करनी होती है उसको हम यहाँ पे अप्लाइड करते हैं। ये फ्लोरोसेंस की स्क्रीन है जिसपे फॉस्फर की कोटिंग की गई है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखा, और ये ग्रिड का क्या यूज होता है, इन सब के बारे में आप नो डाउट थोड़ा बहुत ज़रूर जानते होंगे। तो ये CRT आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसके क्या फंक्शंस हैं, कैथोड से क्या होता है जनरली, इस फिलामेंट पे हम लोग वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, फिर ये कैथोड हीट होता है जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के कारण वो जाकर के इस जो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, इससे सिर्फ उनके क्या करते हैं, मोशंस को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इनके मोशंस को कंट्रोल करते हैं कि किस वे में या फिर कैसे वो ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं और फिर ये वेवफॉर्म जनरेट होता है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ट्रायोड सेक्शन में देखें, तो ट्रायोड सेक्शन ऑफ द ट्यूब कंसिस्ट ऑफ कैथोड, अ ग्रिड एंड एनोड। द ग्रिड विच इज निकल कप, निकल की कप होती है ग्रिड, विथ अ होल इन सीन ऑलमोस्ट द कंप्लीटली इनक्लोज। दोस्तों इस ये थ्योरी पढ़ना, आई थिंक ये मैं स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हम अभी टाइम कम होने के कारण हम आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ट्रायोड सेक्शन का, और आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब अगर फोकसिंग सेक्शन की बात करें, तो फोकसिंग सेक्शन को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। द फोकसिंग इलेक्ट्रोड A1, A2 एंड A3 आर समटाइम रिफर्ड एज इलेक्ट्रॉन लेंसेज, ठीक है, कुछ समय इसको इलेक्ट्रॉन लेंस भी बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंस इज टू फोकस द इलेक्ट्रॉन टू अ फाइन पॉइंट ऑन द स्क्रीन ऑफ द ट्यूब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेंस का काम क्या है, जनरली इलेक्ट्रॉन को फोकस कराना, एक साफ बीम क्रिएट कराना और उसको ले जाके स्क्रीन पे उसको फोकस कराना, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेंस का काम है जो A1, A2 एंड A3 है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो इसको भी आप देख सकेंगे यहाँ पे। अब अगर बात करें डिफ्लेक्सिंग सेक्शन की, डिफ्लेक्सिंग सेक्शन में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का क्या यूज होता है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का क्या यूज होता है, इसके बारे में पढ़ना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये स्क्रीन्स के बारे में भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन ऑलरेडी ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। अब हम देखेंगे इससे CRO से इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो पॉइंट्स देखेंगे, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी ये CRO का जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन था, किस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, CRT का क्या फंक्शन होता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने देखा।
और ये कुछ इसके थ्योरेटिकल पार्ट हैं। अब ये डिफ्लेक्टिंग एम्पलीफायर्स, इन सब के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों सीआरओ का बेसिक्स था। अब हम देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सीआरओ से, और मैं आप लोगों को वो भी दिखाना चाहूँगा जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब दोस्तों ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से आप पॉइंट्स को नोट भी करते जाइए और समझते भी जाइए। सीआरओ इज अ लीनियर डिवाइस। सीआरओ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीआरओ लीनियर डिवाइस है कि नॉन लीनियर डिवाइस है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है सीआरओ इज अ लीनियर डिवाइस। द टाइम बेस ऑफ सीआरओ यूज्ड हॉरिजॉन्टल इनपुट वोल्टेज विच इज जनरेटेड रैंप वोल्टेज, द सिग्नल विच इज टू बी स्टडीज इज अप्लाइड एट द वर्टिकल इनपुट टू द सी आर ओ, इट कैन मेजर फ्रीक्वेंसी, टाइम, फेज एंगल, पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, वी पी आर एम एस एंड एवरेज वोल्टेज, ये सब हम इससे मेजर करते हैं। तो यहाँ से जो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, सी आर ओ इज अ लीनियर डिवाइस, और ये सब आप लोगों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर बात करें सी आर टी की, सी आर टी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मो आयनिक एमिशन, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है सीआरटी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं सीआरओ किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, थर्मो आयनिक एमिशन। दोस्तों क्या होता है, जब आप किसी भी कैथोड को हीट करेंगे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है उसी को क्या बोला जाता है, उससे जो आयन्स जनरेट होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, थर्मो आयनिक एमिशन, दैट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीटेड कैथोड। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, CRT वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ थर्मो आयनिक एमिशन। द सार्टूट वेव फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाई रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स इन बिल्ड इन CRT, ठीक है। जो सार्टूट वेव फॉर्म, जो टाइम बेस्ड सिग्नल्स हम लोग देते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे, जो टाइम बेस्ड सिग्नल देते हैं वो जनरली सार्टूट वेव फॉर्म देते हैं। सार्टूट वेव फॉर्म ये आप समझ सकते हैं, ये सार्टूट वेव फॉर्म है, यही देते हैं जो कि एक यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के थ्रू प्रोड्यूस होता है, यूजेटी, ठीक है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के थ्रू क्या होता है ये सार्टूट वेव फॉर्म जनरेट होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सार्टूट वेव फॉर्म किससे जनरेट होता है, यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के थ्रू ये जनरेट होता है जो सीआरटी में इनबिल्ट होता है। अब अगर दोस्तों बात करें डुअल ट्रेस सीआरओ की, तो डुअल ट्रेस सीआरओ होता क्या है, कैन डिस्प्ले टू इनपुट सिग्नल सेपरेटली ऑन द स्क्रीन। क्या करता है, ये दो इनपुट सिग्नल, जैसे अभी ये सीआरओ की स्क्रीन है डुअल ट्रेस में, एक सिग्नल ये दो डिफरेंट सिग्नल्स को ये जनरेट कर सकता है सेपरेटली ऑन द स्क्रीन। इट हैज़ टू वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इन वन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो इनपुट्स को जनरेट कर रहा है, तो जैसा कि आपको पता है इनपुट्स को हमेशा वर्टिकल डिफ्लेक्ट प्लेट्स पे लगाया जाता है, तो इसमें दो आउटपुट्स आपके दो स्क्रीन्स रहेंगे, या फिर आप कह सकेंगे दो वेवफॉर्म को ये जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आप ये क्लियर कर सकते हैं कि इसके पास दो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं। अब अगर डुअल बीम सीआरओ की बात करें, तो इट हैज़ टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन गन। ये बीम, डुअल बीम मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गन जिससे दो सेपरेट बीम्स निकलते हों। तो यहाँ से आप क्लियरली ये कह सकेंगे इट हैज़ टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन गन्स, सो इट कैन जनरेट टू इलेक्ट्रॉन बीम्स, जिसके कारण ये दो इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट कर सकता है। अब अगर सैम्पलिंग सीआरओ की बात करें, सैम्पलिंग सीआरओ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग सीआरओ जो होता है वो सैम्पलिंग थ्योरम पे वर्क करता है, यूज टू एग्जामिन वेरी फास्ट सिग्नल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अगर आएगा कि फास्ट सिग्नल की स्टडी करने के लिए किस टाइप के सीआरओ का आप यूज़ करेंगे, तो दोस्तों सैम्पलिंग सीआरओ का यूज़ करते हैं फास्ट सिग्नल को पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। इट कैन मेजर वेरी हाई स्पीड इवेंट्स, ये बहुत ही हाई स्पीड इवेंट्स को ये मेजर कर सकता है। अब अगर बात करें, हाई इम्पिडेंस प्रोब आर यूज एक्सटर्नली फॉर इंक्रीजिंग द इनपुट रेजिस्टेंस एंड रिड्यूसिंग द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द सीआरओ। अब हाई इम्पिडेंस प्रोब हम किस लिए यूज करते हैं सीआरओ में, ताकि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या हो सके, ज़्यादा हो सके, जिससे लोडिंग इफेक्ट ना हो पाए। क्या ना हो पाए दोस्तों, लोडिंग इफेक्ट ना हो पाए, इस पॉइंट के लिए जनरली हम हाई इम्पिडेंस प्रोब्स का हम यूज करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने देखा, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और ये सारे क्वेश्चन भी थे दोस्तों, किसी ने किसी एग्जामिनेशन में ये पॉइंट पूछे गए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में भी ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये पॉइंट्स, ये लेक्चर अभी तक अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अब अगर बात करें द इंटरनल वॉल ऑफ द सीआरटी आर कोटेड विद एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट, एक्वा डैक जिसे बोलते हैं, जैसे उधर मैंने आपको क्या बताया, उधर मैंने फॉस्फर बताया था, सब उसके ही सब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं इन सबसे, विच इज प्लेस्ड एट द स्मॉल पॉजिटिव पोटेंशियल इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द क्लाउड ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को क्या करते हैं, ये इंटरनल वॉल, ये इंटरनल वॉल की कोटिंग हुई है यहाँ पे, और उधर मैंने क्या बताया था, जो स्क्रीन थी उसकी कोटिंग। अब जैसे आप अगर सीआरओ ये सीआरटी देख रहे हैं तो ये स्क्रीन जो है इसकी कोटिंग किससे हुई थी, फ्लोरोसेंस मटेरियल जिसको फॉस्फर के नाम से भी बोला जाता था, इसकी कोटिंग उससे हुई थी। लेकिन अगर इसके इंटरनल वॉल की बात करें, इसकी ये इंटरनल वॉल की बात करें, तो ये इसकी जो कोटिंग हुई रहती है दोस्तों वो किससे होती है, ग्रेफाइट या एक्वा डैक से, किससे, सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट जिसे एक्वा डैक बोला जाता है, उससे यहाँ पे कोटिंग हुई रहती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अभी तक ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे गए। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर दो इनपुट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं सीआरओ पे और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है 0 डिग्री या 360 डिग्री है, तो डिस्प्ले पे किस टाइप का वेवफॉर्म बनेगा जिसे लिसेजुएस पैटर्न के नाम से जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे जब भी दो सिग्नल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री या 360 डिग्री होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को इसको उसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर जैसे ही 30 डिग्री का फेस शिफ्ट होगा, या ये आप इसको आप याद कर लीजिएगा 0 से 30, 30 to 60, 60 to 90, या फिर इसको उल्टा आप कर सकेंगे 360 to 330, 30 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है अगर 0 डिग्री का फेस शिफ्ट होगा तो। और अगर 30 डिग्री या 330 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा दो सिग्नल्स के बीच में, तो कुछ इस टाइप का एक एलिप्टिकल, कुछ इस टाइप का ये एक शेप बनेगा आपके सीआरओ स्क्रीन पे। अब अगर 60 डिग्री का या फिर 300 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, तो यही जो था यही थोड़ा सा और वाइड हो जाएगा, कुछ इस टाइप का, परफेक्ट सर्कल नहीं रहेगा, कुछ इस टाइप का आपको वेवफॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा सीआरओ स्क्रीन पे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनते हैं जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, या तो 0 and 360 degree पे पूछा जाता है, या तो 90 या 270 degree पे पूछा जाता है। तो ये लिसेजुएस पैटर्न है, इसको आप याद रख लीजिएगा, जब भी फेस डिफरेंस 90 degree या 270 degree होगा तो सीआरओ स्क्रीन पे एक सर्कल बनता है। जब दो इनपुट सिग्नल के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोस्टली सीआरओ यूज आर डुअल ट्रेस सीआरओ, डुअल ट्रेस सीआरओ जनरली यूज होते हैं, तो उसमें दो क्या होंगे, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होंगे, तो दो इनपुट्स हम देंगे। ठीक है, तो दोनों इनपुट्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री या 270 डिग्री होता है तो स्क्रीन पे क्या बनेगा दोस्तों, सर्कल बनेगा, स्क्रीन पे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे कि 0 से 30, 30 to 60, 60 to 90, सेम मैनर में आप अगर आप 90 to 120 जाएंगे तो यही चीज़ जस्ट उल्टा होने लगता है, अभी आपका ऐसा बन रहा था कुछ, अब लेकिन कैसे बनने लगेगा, जब उसके 90 के बाद जाने लगेंगे तो ये इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो जाएगा, और ये फिर उसके बाद ऐसे, फिर ये इस ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी, आप यहाँ पे देख सकेंगे। तो आप इसको रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर 90 डिग्री का बनता है तो ये सर्कल बनता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर 120 का बनेगा तो किधर ये इंक्लाइंड होगा, ये चीज़ पूछा जाता है। 150 का बनेगा तो ये इस टाइप का, फिर अगर 180 का फिर से बनता है तो ये जो इंक्लाइनेशन होता है यही सिर्फ चेंज हो जाता है। ये इंक्लाइनेशन आपको याद रखना है कि लाइन जो यहाँ पे इंक्लाइन हो रही है वो 45 डिग्री पे जनरली इंक्लाइंड होती है, और यहाँ पे आप देखेंगे वो कितने डिग्री पे होगा दोस्तों, वो आई थिंक 135 डिग्री पे ये इंक्लाइंड यहाँ पे हो रहा है, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको ज़रूर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ अगर ज़रूर समझ में आया है तो एक लाइक कर दो यार। अब और क्वेश्चंस ये रहते हैं कि अगर दो सिग्नल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है दोस्तों वो 0 से 180 डिग्री के बीच में है, 0 से 180 डिग्री के बीच में है, तो जो हमारा वेवफॉर्म बनता है या सर्कल ये जो बनेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है,
किस डायरेक्शन में बनता है दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, और अगर यही 180 से 360 के बीच में होगा दोस्तों तो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है। किस डायरेक्शन में बनेगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। इन पॉइंट्स को आप प्लीज याद कर लीजिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इन्हें रिलेट करके भी समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इसे याद कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर दोस्तों इस पॉइंट की बात करें, अगर आपका वोल्टेज वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे ज़्यादा होगा, ठीक है, ये आपको याद करने में बहुत ही ईजी होगा। यहाँ पे अगर वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स मीन्स वाई वाई पे ज़्यादा होगा तो ये कुछ इस टाइप का आपका वेव फॉर्म बनेगा, जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। सेम मैनर में अगर आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये इस टाइप का वेव फॉर्म आपके स्क्रीन पे बनेगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स और शॉर्टकट पॉइंट्स थे जिसको आप इजीली समझ भी सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपको वेव फॉर्म दे देगा, और वेव फॉर्म से फिर ये पूछ लेंगे कि अगर एफ एक्स मतलब आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे जो सिग्नल अप्लाइड हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो आपका वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के पे की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर वेव फॉर्म कुछ ऐसा जनरेट हो रहा हो। तो इस केस में जनरली दोस्तों क्या करते हैं, एफ वाई अपान एफ एक्स, एफ वाई क्या है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल अप्लाइड एट वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एंड एफ एक्स क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल अप्लाइड एट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। उसके बाद मैक्सिमम ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एट वर्टिकल प्लेट्स। इसको हम क्वेश्चन लेके समझेंगे तो आसानी से आप समझ सकेंगे। दोस्तों कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, अगर उसकी वेलोसिटी पूछ दी जाए इलेक्ट्रॉन्स के जो हम हीट रेट कैथोड से जनरेट कर रहे हैं, तो इस केस में दोस्तों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ से आप देखेंगे अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्लेस करें तो 1/2 mv², जहाँ v क्या है वेलोसिटी है, और q है चार्ज, और va क्या है अप्लाइड वोल्टेज, va अप्लाइड वोल्टेज है मीन्स जो कैथोड पर आप वोल्टेज अप्लाइड करेंगे उससे हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का पता कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज कैथोड पे बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है दोस्तों वो क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमें बढ़ानी है जो कि कैथोड पे जाके डिस्प्ले पे स्ट्राइक कर रहा है तो हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कैथोड पे जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको आप क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो आप वो वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी वर्टिकल ये डिफ्लेक्शन इस कुछ इस फॉर्म में होता है, और ये एल इसके बारे में डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आईएएस लेवल का टॉपिक्स हो जाता है। अब अगर दोस्तों बात करें लिसेजुएस पैटर्न की, तो लिसेजुएस पैटर्न होता क्या है, इफ़ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ सीआरटी इज अप्लाइड विद द साइनोसोइडल सिग्नल, अगर दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को हम साइनोसोइडल सिग्नल से अप्लाइड करेंगे द वेव फॉर्म पैटर्न अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड लिसेजुएस पैटर्न। उस केस में जो स्क्रीन पे जो वेव फॉर्म बनता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, लिसेजुएस पैटर्न बोलते हैं, और ये कब होता है जब दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे आप साइनोसोइडल सिग्नल अप्लाइड करेंगे तो लिसेजुएस पैटर्न बनता है। जस्ट अगर बात करें दोस्तों इफ बोथ सिग्नल हैव सेम फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों सिग्नल्स के पास सेम फ्रीक्वेंसी होता है तो उस केस में आप ये कह सकेंगे, जस्ट अगर कंसीडर करें दोनों सिग्नल्स के पास सेम फ्रीक्वेंसी हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई ये दोनों क्या हो सेम हो, और उनका जो एम्पलीट्यूड हो वो भी सेम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है दोस्तों वो क्या हो अलग हो, जैसा कि मैंने आपको वो क्लियरली वहाँ पे बनाया, लेकिन आपको एज अ प्रूफ अगर कुछ चाहिए तो आप यहाँ से देख सकेंगे, ठीक है। अगर 0 से 360 के बीच में होगा तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रेट लाइन बनेगा जो 45 डिग्री पे क्या होगा इंक्लाइंड होगा, और ये आप देख सकेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट होता है लिसेजुएस पैटर्न का, जब आप 90 डिग्री या 270 डिग्री देते हैं तो कुछ इस टाइप का वेवफॉर्म बनता है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली, और अगर आप फेज डिफरेंस 180 का होता है तो कुछ ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये पॉइंट्स आपको मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे और समझ में भी आया होगा। अब इस पे जो और भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, फाइंडिंग फेज, फेज को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी पे फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको लिसेजुएस पैटर्न दे दिया जाता है तो यहाँ से जो फेज फाइंड आउट करते हैं, फेज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स वन अपान एक्स टू और साइन इनवर्स वाई वन अपान वाई टू, जहाँ पे एक्स वन और वाई वन की वैल्यू क्या है आप यहाँ से
समझ सकते हैं कैसे आपको उसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर होगा, अगर आपको कोई लिसेजुएस पैटर्न दिया हुआ है तो उससे अगर आपको फेज निकालना है तो फेज आप ऐसे भी फेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x1 और y1 की वैल्यू, ये वैल्यू समझनी पड़ेगी। x1 क्या है, जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट कर रहा है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट कर रहा है वो x1 है, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो क्या है, x2। तो फॉर क्लॉक वाइज ओरिएंटेशन फेज डिफरेंट इक्वल्स टू 180 माइनस 5 एंड फॉर एंटी यही फॉर क्लॉक वाइज ओरिएंटेशन फेज डिफरेंट इक्वल्स टू 180 माइनस 5 फॉर एंटी क्लॉक वाइज ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये इससे आप फेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर बात करें लिसेजुएस पैटर्न से, सेम यहाँ पे भी आप देख सकेंगे, अगर ये इस थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है तो कुछ इस टाइप से आप उसका फेज डिफरेंस काउंट कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी समझने की कोशिश करिए। अब दोस्तों एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अगर उसके फ्रीक्वेंसी इक्वल्स नहीं हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं हो तो उस केस में दोस्तों ये पूछा जाता है कि अगर एक फ्रीक्वेंसी दे दिया जाता है और इस टाइप का कुछ अगर पैटर्न बन रहा है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऐसे केस में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली एफ वाई अपान एक्स एफ एक्स करना है, एफ वाई अपान एफ एक्स, और अगर कोई वेव फॉर्म है तो उस पर, जैसे ये वेव फॉर्म आपको यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स मीन्स आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, और मैक्सिमम कितने कट्स हो रहे हैं, तो एक कट यहाँ पे हो रहा है, दो कट दूसरा तीसरा एंड चार, मीन्स फोर कट्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पे हो रहे हैं, चार हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली कह सकेंगे एफ वाई अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू फोर, और अगर हमें वर्टिकल टेंजेंट निकाला है तो मैक्सिमम वर्टिकल टेंजेंट कितने मिल सकते हैं, एक यहाँ पे कटेगा एक यहाँ पे दो, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे 4/2, मीन्स इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एफ वाई और एफ एक्स के बीच में जो रिलेशन होगा, एफ वाई इक्वल्स टू 2fx, ये रिलेशन होगा। तो अगर इसमें से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी दी रहेगी दोस्तों तो आप दूसरा निकाल सकेंगे। अब अगर जैसे कंसिडर करें, जैसे मैंने बताया था सर्कल के केस में दोस्तों क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम दो, ठीक है, और वर्टिकल टेंजेंट कितने हो जाएंगे, वो भी दो। तो यहाँ पे एफ वाई अपान एफ एक्स केस में जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2/2 मीन्स इक्वल। तो ये आप इससे आप निकाल सकेंगे, कोई अगर एक फ्रीक्वेंसी दिया हो तो उससे आप दूसरी फ्रीक्वेंसी निकाल सकेंगे। अब अगर आप सोचें कि एक ये वेव फॉर्म दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने टेंजेंट बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट 1, 2, 3, 4, 1, 5, ठीक है, तो ये 5/2, वर्टिकल टेंजेंट कितने बनेंगे दोस्तों, 1, ठीक है। तो ये आप देख सकेंगे यहाँ पे एफ वाई अपान एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/1, मीन्स एफ वाई इक्वल टू 5fx। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप, मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद आप बहुत ही इजीली तरीके से उनके आंसर्स दे सकेंगे। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, IAS 1919 में पूछा गया, अ डुअल ट्रेस सीआरओ हैज, डुअल ट्रेस सीआरओ के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गन एंड 2 पोल स्विच, 2 पोल स्विच मीन्स वही दोस्तों 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं डुअल ट्रेस सीआरओ के केस में, क्योंकि इस डुअल ट्रेस सीआरओ क्या होता है, जिससे आप उसके डिस्प्ले पे 2 इनपुट वेव फॉर्म को आप जनरेट कर सकते हैं, ये डुअल ट्रेस सीआरओ होता है। तो ये आप इजिली इस क्वेश्चन को समझ सकेंगे, यहाँ पे सिर्फ उस वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का नाम बदल दिया है, 2 पोल स्विच होता दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए, और इसे ये पूछा गया आईएएस एग्जामिनेशन में, तो आप यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, द बैंडविथ ऑफ सीआरओ इज फ्रॉम 0 to 20 MHz, द फास्टेस्ट राइज टाइम विच अ स्क्वायर वेव कैन हैव इन ऑर्डर ऑफ, तो बैंडविथ इज रिलेशन आपने देखा होगा, बैंडविथ इक्वल टू 0.35 अपॉन राइज टाइम, राइज टाइम या फिर राइज टाइम इक्वल टू 0.35 अपॉन बैंडविथ। तो इस फॉर्मूला में अगर इसको आप प्लेस करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा क्या दोस्तों, 17.5 नैनोसेकंड। इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, राइज टाइम इक्वल टू 0.35 अपॉन बैंडविथ तो यहाँ से आपको ये बहुत ही ईजिली तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखते हैं तो 0.35 अपॉन 20 × 10⁶, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 17.5 नैनो सेकेंड आ जाएगा आपको राइज टाइम। अब ये क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, अ डीसी वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू एक्स प्लेट ऑफ सीआरओ
मीन्स एक्स प्लेट पे क्या दिया जा रहा है, एक सी आर डी सी वोल्टेज दे रहा है, दिया जा रहा है, एंड एन ए सी वोल्टेज ऑफ 2 sin 100t इज अप्लाइड टू वाई प्लेट. वाई प्लेट पे एक साइनोसोइडल सिग्नल दिया जा रहा है. इस केस में दोस्तों क्या बनेगा, आप देखेंगे इनके बीच का जो फेज डिफरेंस दोस्तों क्या है, वो जीरो फेज डिफरेंस है, क्योंकि डीसी का भी फेज क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फेज क्या है, जीरो है. तो जीरो फेज डिफरेंस के केस में दोस्तों क्या होता है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनती है कुछ ये इंक्लाइन फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे एक डीसी सिग्नल दिया जा रहा है एक्स प्लेट पे. तो आप ये भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकेंगे कि वाई वाई का जो वोल्टेज है, वी वाई वाई का जो वोल्टेज है वो ग्रेटर है किससे, वी एक्स एक्स से. तो हमेशा जो वेव फॉर्म बनेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ ऐसा बनेगा. तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकेंगे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगी. इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. दोस्तों ये क्वेश्चन ईजी है और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में. अब दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया, आप समझ सकेंगे IAS 2011 में. वाइल मेजरिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन 10 साइन ओमेगा टी एंड वी टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है. अब यहाँ पे पूछा गया द लिसेजुएस पैटर्न ऑब्जर्न ऑन CRO वाज अ सर्कल. क्या बन रहा है लिसेजुएस पैटर्न, क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है. तो सर्कल दोस्तों किस केस में बनता है, जब भी हमारा फेज डिफरेंस क्या हो, 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो. तो 90 डिग्री मींस क्या, पाई बाय 2. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई बाय 2. तो आप देख सक रहे हैं दोस्तों हमारा लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है. आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप देख रहे हैं आपके लिए कहां कहां से मटेरियल ला के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं. दोस्तों फिर ये क्वेश्चन लिसेजुएस पैटर्न से आया है. द एक्स इनपुट एंड वाई इनपुट ऑफ ए CRO आर 5 cos ओमेगा टी प्लस 5 एंड 5 sin ओमेगा टी प्लस 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग लिसेजुएस पैटर्न. तो आप देख सकेंगे ये साइन है दोस्तों और ये कॉस है. साइन है और कॉस है, दो सिग्नल्स हैं दोस्तों. तो आप ये जानते हैं साइन और कॉस के बीच में जो डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ये आपको पता होगा. तो अगर 90 डिग्री का दोस्तों फेज, जस्ट ये क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, घुमाया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको नहीं घूमना है, आपको पता है अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो सर्कल ही उसका आंसर होगा. तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्कल, क्योंकि कॉस और साइन के बीच में जो फेज डिफरेंस, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है दोस्तों, सेम है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का है, जो कि डिफरेंट है. तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आएगा. अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वोल्टेज वी वाई इक्वल टू 10 sin 100t एंड वी एक्स इक्वल टू 50 sin 1000t आर कनेक्टेड टू वाई एंड एक्स टर्मिनल ऑफ द CRO रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो फेज डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, 0 degree है या फिर 360 degree है. तो 0 degree या 360 degree के केस में क्या बनता है, स्क्रीन पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है कुछ ये इंक्लाइन फॉर्म में, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है. तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा करके उस लेक्चर को, पहले CRO के लेक्चर को जरूर देखें. दोस्तों अगर इस क्वेश्चंस की बात करें, द सर्टेन ऑसिलोस्कोप विथ 4 cm x 4 cm स्क्रीन हैज़ इट्स ओन स्वीप आउटपुट फीड टू इट्स इनपुट. इफ द एक्स एंड वाई सेंसिटिविटीज आर सेम, वाट विल बी द ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले. मीन्स आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे जो स्वीप जनरेटर के थ्रू, या फिर आप कह सकेंगे जो रियल टाइम बेस जनरेटर के थ्रू जो सिग्नल दिया जा रहा है, सेम सिग्नल को कहाँ पे दे दिया जा रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे. मीन्स दोनों का जो फेज डिफरेंस दोनों क्या है दोस्तों, वो सेम है. दोनों पे जो फेज डिफरेंस है वो सेम हो रहा है, इसलिए जो सेम मीन्स क्या, 0 degree या फिर 360 degree का फेज डिफरेंस हो रहा है. तो उस केस में दोस्तों क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है. दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइस हैज़ मिनिमम लोडिंग इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. मैंने आपको बताया था CRO के केस में दोस्तों कि हाई इम्पिडेंस प्रोब्स का यूज किया जाता है. हाई इम्पिडेंस प्रोब का यूज किया जाता है तो हाई इम्पिडेंस स्टेट का जो, हाई इम्पिडेंस प्रोब का जो एडवांटेजेस होते हैं, लोडिंग इफेक्ट नहीं होता. ये वर्ड मैंने क्लियरली आप लोगों को लेक्चर पढ़ाते टाइम बोला था. तो CRO में क्या होता है, लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे. सेम क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक दिख रहा होगा कि 1000 hertz साइनोसोडियल वोल्टेज इज कनेक्टेड टू बोथ एक्स एंड वाई इनपुट्स ऑफ CRO विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म सीन ऑन द स्क्रीन. दोनों क्या है दोस्तों, जो फेज डिफरेंस है दोनों का कितना है, 0 phase difference है, सेम है. तो क्या होगा इस केस में, जो आउटपुट आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा. तो दोस्तों जो मैंने लिसेजुएस पैटर्न आपको बताया, आप देख रहे हैं क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सेम है.
कुछ वही थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को आंसर बहुत ही इजी तरीके से दे सकेंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, लिसेजुएस पैटर्न सोन इन द डबल बीम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप स्क्रीन फॉर टू साइनोसोइडल वोल्टेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट अ फेस शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री का उनके बीच में फेस शिफ्ट है। तो दोस्तों 30 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है तो जो इलिप्स बनता है वो कुछ इस टाइप का इलिप्ट बनता है। तो ये क्या है, एन इलिप्ट इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आप समझ सकेंगे इसका आंसर, एन इलिप्ट इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, द साइन वेव आउटपुट ऑफ अ फंक्शन जनरेटर इज फेड टू बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स, व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द कैथोड रे। भाई सेम सिग्नल्स दिया जा रहा है तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा दोस्तों वो क्या होगा, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री होगा। तो उस केस में क्या बनता है, अ स्ट्रेट लाइन विथ 45 डिग्री स्लोप, मीन्स इस टाइप का बनता है स्ट्रेट लाइन विथ 45 डिग्री स्लोप। और अगर दोस्तों यही जो उनके फेज बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो वो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन बनता है विथ 135 डिग्री फेज स्लोप, सॉरी 135 डिग्री स्लोप, या फिर आप कह सकेंगे ये फोर्थ और सेकेंड क्वाड्रेंट में बनता है। ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, IAS 2007 में पूछा गया है, अ सर्कल इज फाउंड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ CRO व्हेन टू टाइम वेरिंग सिग्नल ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम मैग्नीट्यूड अप्लाइड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम मैग्नीट्यूड के अप्लाइड कर रहे हैं। तो अगर सर्कल बन रहा है तो कोई भी डाउट आपको नहीं करना है, 90 डिग्री या 370 डिग्री पे आपको आंसर्स देना है। इसको 90 को पाई बाय 2 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, 90 और 370 का सिर्फ नाम बदल सकता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है सर्कल के केस में 90 या 270 ही आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे और आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं या फिर लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है अगले लेक्चर बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नए नॉलेज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।